श्वेत पत्र पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है हिमाचल प्रदेश में। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को जवाब दिया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि हमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट देकर सत्ता में नहीं गए थे कांग्रेसी। 10 गारंटियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हुआ तो श्वेत पत्र ले आए। कांग्रेस सरकार 10 महीने में 8,000 करोड़ का लोन ले चुकी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी फिर इसके बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही पूर्व की जयराम सरकार। चुनाव जीतने के लिए जुटाए गए थे 16,000 करोड़ रुपए। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उन्होंने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उन्होंने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जा करके इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीजों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। तो सरकारी फिगर है, इसको इन फिगर्स को झुठलाया नहीं जा सकता। और ये भी बिल्कुल साफ है कि आपने जाने वाले साल में उधारी जो है 16,261 रुपए की प्लान कर दी। 16,200, ये कह रहे हैं कि हम लिमिट से बाहर नहीं गए, हम प्लान नहीं गए। आपने जो है अंतिम वर्ष में इस ढंग से प्लान किया कि जो 2021 और 22 में जो कर्जा लिया उसके मुकाबले में अंतिम साल की जो उधारी थी वो 267% अधिक थी, 267% वो ज़्यादा थी। वो सिर्फ ये था कि किसी भी ढंग से सत्ता पे काबिज रहना है, चाहे हिमाचल प्रदेश के वित्तीय व्यवस्था को चरमरा जाए, क्रैश हो जाए। और ये इनकी इसीलिए क्रैश लैंडिंग हुई है, बीजेपी की जो क्रैश लैंडिंग हुई है अंत में जब सरकार गई है वो इन्हीं बातों पे गई है कि इन्होंने ऐसी स्थिति पे हिमाचल प्रदेश को पहुंचा दिया। और हमारे जो ये दूसरे निगम बोर्ड हैं उनकी स्थिति आप देख लो, 5,000 करोड़ पे उनका कर्जा पहुंच गया, घाटा उनका 5,000 करोड़ पे पहुंच गया। और हमारे 23 में से 13 जो है पूरी तरह घाटे के उसमें चले गए। ये सारी स्थितियां जो हैं ये सामने हैं, लेकिन इस बात को मानने में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि लगातार डबल इंजन का वायदा करते थे, उनके ये दस्तावेज जो है वो उन द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को वित्तीय तौर पे जो कंगाल बनाने की जो पूरा स्थिति है वो इसमें पूरी तरह दर्ज है।